जग्गा? क्यों, मिल गया ना मोहलत मौत की चेतावनी का? जग्गा ने तो मोहलत दिया। बाबूजी ये तो मेरी चाल थी, फसल इस बार हम ही काटेंगे। तरफान! अगर सामने नजर आए तो वही काट के जिंदा दफना देना, वरना। बाबा और कितना मिलाओगे? देखिए तो ये पूरा घुल गया। बेटा ये हमारी धरती माता है, ये जितना घुलेगी उतना ही हमारे लिए सोना उगलेगी। सेवा से ही तो मेवा मिलता है बेटा, और उस मेवा से हम सब आगे बढ़ेंगे, और तुम्हें यहाँ नहीं एक दिन वहाँ चमकना होगा। वहाँ चलेगा नहीं बाबा? बेटा वहाँ पहुँचकर तो बहुत सुकून मिलता है। तब तो मैं वहाँ जरूर जाऊँगा बाबा। हाँ बेटा, भगवान करे तुम्हारी हिम्मत ऐसी ही बनी रहे, उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े करूंगा, और तुम्हें वहाँ तक पहुँचा के रहूंगा। सिर्फ 2 बीघा जमीन और इतना स्वाभिमान कि मेरी बराबरी करने चला, मेरी बराबरी चंदू को मेरे आगे बैठाने चला? अरे 2 बीघा जमीन ही नहीं रहेगा तो तेरा और तेरा पढ़ाकू बेटा चंदू का क्या होगा? ये देखिए ये ड्राइंग मैंने बनाई है। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। संभल के ठाकुर साहब, बिटिया बड़ी और बुद्धिमान हो गई है, इसका नाम अपने स्कूल में क्यों नहीं करा देते? ठाकुर साहब कहने का मतलब, गांव आपका, स्कूल आपका, हम भी आपके, तो फिर परेशानी किस बात की? ठीक है मास्टर साहब, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, भाग्या मेरी इकलौती बेटी है, अगर उसे थोड़ी भी तकलीफ हुई ना तो तुम्हारी जिंदगी तकलीफों में चली जाएगी। तुम रो क्यों रही हो बेटी? बाबूजी मैं बस नहीं आई इसलिए। तुम लोग देख क्या रहे हो, जाओ उस मास्टर को उठा के ले आओ। चलो मेरे साथ। ए मास्टर। अरे भाई बताओ तो क्या हुआ? चुपचाप चल, हवेली पर ही पता चल जाएगा। क्या बे? चल हवेली, तुझे बताता हूँ। तुम लोग कितनी हिम्मत, चल। पूछो इससे इसकी औकात, और क्यों नहीं, साली छक्की छह डाल दूंगा। हरामजादे मास्टर, तुम्हें तो पहले ही कहा था, फिर ये क्यों हुआ? क्या मेरी बेटी फर्स्ट क्यों नहीं हुई? इसमें मेरी क्या गलती है? हमें क्या पता वो गंवार चंदू फर्स्ट आ जाएगा? क्या वो चंदू कौन है? वो रामचंद्र का बेटा। रामचंद्र? वो रामा का बेटा? मास्टर अब हमें पैरों के जूते सिर पे पहनने पड़ेंगे। हे मास्टर, कल तक अगर तूने इस गंदगी को साफ नहीं किया तो मैं तुम लोगों को इस दुनिया से साफ कर दूंगा। चंदू। जी मास्टर जी। तुम्हें आज इस स्कूल से नाम काट कर निकाला जाता है। जी। ये मेरा आदेश है, जाओ। क्या हुआ बेटा? बताओ बताओ बेटा। मास्टर साहब ने मुझे स्कूल से निकाल दिया और डांट कर बोले जाओ। बिना कारण बताए ऐसा नहीं हो सकता। मास्टर साहब क्या ये सच है कि आपने मेरे बेटे को स्कूल से निकाल दिया? हाँ। क्यों? क्यों का कोई जवाब नहीं होता रामचंद्र, कोई कारण नहीं बता सकता। रामचंद्र समझा करो, मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। चल बेटा, यहाँ तेरा यही होना था। हम कहाँ जा रहे हैं बाबा? जहाँ तेरा नसीब ले जाए बेटा। बेटा मन लगा के पढ़ना और मामा मामी का हर बात मानना।
इंस्पेक्टर साहब जिंदाबाद। प्रणाम ठाकुर साहब। बड़ी मुद्दत हो गई आपको देखे, इतना देर से याद किया कि हमारी पोस्टिंग भी यहीं पर हो गई। हाँ खुशहाल, अब तो और मजा आएगा। हाँ हाँ ठाकुर साहब, मजा आएगा। अच्छा तो ठाकुर साहब, आप इजाजत चाहूंगा। ठीक है जाओ। एक बात तो बताइए, आपको हमारी स्माइल कैसी लगी? क्या साहब, आपका पेज ढीला है क्या? क्या मतलब, दिमाग खसक गया है क्या? जय हिंद जय हिंद। हाउ डेयर यू, ये मेढक जैसी आंखें लेके तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है? तुम जैसे लड़कों को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, जो जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं। शीस भाग्या, और भाग्या ये मेरे भैया चंदन। हाय, हम भाग्या। हाय। जब से मिले हैं तुमसे नैना, मुझको एक पल चैन कहीं ना। जब से मिले हैं तुमसे नैना, मुझको एक पल चैन कहीं ना। हाँ दिनू, इस बार फसल तो बहुत अच्छी हुई। देखते हैं क्या होता है। हमारा हिम्मत कैसे हुआ ठाकुर के बराबरी में खड़े होने का? क्या चलता ले? खुश साले, बताता हूँ तुझे अभी। चले ये ठाकुर, रुक जा वरना हार के रख दूंगा। यही का यही। वर्दी तुम्हें न्याय और इंसाफ दिलाने के लिए दी गई है, न कि ठाकुरों की चमचागिरी के लिए। अरे तुम तो ठाकुरों के टुकड़े पर पलने वाले कुत्ते हो कुत्ते। अरे मर्द तो अपने आप में मर्द होता है, और वर्दी वाला मर्द
तो जवान मर्द होता है, शेर होता है शेर। मगर तुम तो हिजड़े हो हिजड़े, ना मर्द और ना औरत। हमें माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। चुप! ये ज्ञान सिंह पूर्वा गांव इलाके और जवान में ये हवेली ही अदालत है, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ जग्गा ठाकुर का उदय चलता है। शायद तुम ये भूल रहे हो कि ये वर्दी तुम्हें न्याय और इंसाफ दिलाने के लिए दी गई है, न कि ठाकुरों की चमचागिरी के लिए। अरे तुम तो ठाकुरों के टुकड़े पर पलने वाले कुत्ते हो कुत्ते, मगर तुम तो हिजड़े हो हिजड़े। बाबूजी को क्या बोलो बोलो लो चुप।